गंगा यमुना सरस्वती के निरंतर निर्मल दूसरा भाव एक निमित्त है श्री का, जहाँ परंपराएं समस्त परंपराएं चरणों में प्रार्थना करें कि अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए हमारा स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की अवतरण दिवस अथाह ज्ञान हमारे बोले तो क्या बोले, इस समय कुछ सोच नहीं होता।
लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि स्वामी ज्ञानानंद जी जो प्रकाश कुंज है गीता के प्रति जीवन के सार के रूप में जिस प्रकार से हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। मैं तो जब से इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी के साथ सानिध्य में मुझे रहने का मौका मिला जीवन में अनेक परिवर्तन आए। तो उनके इस जन्मोत्सव के अवसर पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनके दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। हमने बहुत कुछ सीखा है गीता के माध्यम से जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। कमण्य वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अगर हम एक वाक्य को भी अपने जीवन में उतार लें तो आज जीवन धन्य हो सकता है। भाइयों बहनों, जन्मदिन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज के दिन अगर मैं हम सरकार के नाते से बहुत सा अपना डाटा रिपोर्ट अपने रखते हैं तो मेरे पास एक डाटा है जो हमने अभी अभी तैयार किया पूरे हरियाणा का। हरियाणा के हमारे 2,84,00,000 नागरिक और मुझे आज की डेट में जो कि हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर किसी की जन्म तिथि भी रिकॉर्ड की है। तो मैं आज अपने अधिकारियों से मैंने पूछा कि आज 15 मई है, स्वामी जी का जन्मदिन है, तो जरा बताइए आज के दिन भी मैं उन सब लोगों को शुभकामना देता हूँ जिनके हरियाणा के नागरिक और जन्मदिन है। तो उन्होंने संख्या बताई कि 94,558 लोगों का आज हरियाणा के नागरिकों का जन्मदिन है। आज के इस अवसर पर स्वामी जी के जन्मदिन के बहाने से ही मैं ऐसे सभी 94,558 नागरिकों को अपनी शुभकामना देता हूँ। जन्मदिन तो हम सब मनाते हैं अपना अपना और उस दिन को विशेष प्रसंग भी होता है, लेकिन जब संतों की बात आती है तो मैं समझता हूं कि संतों का जन्मदिन तो हमारे लिए एक संकल्प लेने का एक अवसर होता है। वैसे तो कहते हैं कि ये जो रस्में जहां है, जन्मदिन के रस्म दुनिया में जो मनाते हैं, ये जो रस्में जहां है अदा होती है, वरना सूरज के कहां सालगिरह होती है। संतों का जीवन तो सूर्य की तरह प्रकाश की किरणें ये हमारे जीवन में डालते हैं। अगर हम विचार करें स्वामी ज्ञानानंद जी का तो गीता के सार के माध्यम से हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। एक लेखक होते हुए गीता के 700 श्लोकों में नागरिक के नागरिकों के हर प्रकार के उसके जो रूप होते हैं उसके लिए गीता का सार उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। एक विद्यार्थी के लिए गीता क्या होती है आपने लिखा है, एक किसान के लिए गीता क्या होती है आपने लिखा है, एक सैनिक के लिए गीता क्या होती है आपने लिखा है, पिता के लिए गीता क्या है, माता के लिए गीता क्या है, पुत्र के लिए गीता क्या है, क्योंकि गीता विस्तार से इनका विस्तार है। तो ये सब पुस्तकें स्वामी जी के द्वारा जो रचित हुई तो मुझे पता लगा, मैंने एक निवेदन किया कि गीता के साथ की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो हम राजनीतिक लोगों को है, तो एक पुस्तक इन्होंने राजनीतिक लोगों के लिखी। मुझे बड़ा आनंद आया कि जीवन का राजनीतिक व्यक्तियों का सुधार ये इस गीता के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि आज समाज में बहुत सी ऐसी कुरीतियां, बहुत सी ऐसी न्यूनताएं, सामाजिक समस्याएं बहुत सी आई, तो इसको ठीक करने के लिए आप समाज सुधारक का भी काम कर रहे हैं। हमको पता होगा कि आपने गीता के भोजन हमारे जो देव रही है जिसको सुधार कर कहते हैं, ऐसी बहुत सी हरियाणा के जिलों में आपने जाकर के गीता का संदेश ये नियमित रूप से कैदियों को सुनाते हैं। मानो कि किसी के जीवन में अपराध हो गया, सजा हो गई, कैदी हो गया, लेकिन क्या उसके जीवन को सुधारने के आप अभी भी तो करना शेष है, शेष बचा जीवन उसमें कैसे सुधरे,
और अच्छे आचरण के कारण से तो नियम अनुसार कई बार सजा कम भी हो जाती है, माफ भी हो जाती है, आगे अच्छा नागरिक बनने के समाज में गो पालक के नाते आपकी भूमिका श्री कृष्ण कृपा के नाम से कितनी गौशाला याद दिला रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीला लोगों का जो महत्व उनके जीवन में था आपने उसको बरकरार रखा है। हम जैसे लोगों को भी गौ पालन में श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने का आपने संकल्प लिया हुआ है। ऐसे मनुष्य की सेवा चाहे वो बीमार की सहायता के लिए कितने चिकित्सालयों में आप सेवा करवाते हैं, कितने रक्तदान शिविर आप करवाते हैं, कितने प्रकार के ऐसे समाज सेवा के काम आपके माध्यम से होते हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है। और ये गीता का सार कुरुक्षेत्र में इस जयंती को चलते हुए जब कुछ वर्ष हो गए, विदेशों के लोग जब आने लगे तो विदेश के वहां से भी जब एक इस प्रकार की मांग उठी कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम विदेशों में करना चाहिए, तो इसके माध्यम से स्वामी जी ने मॉरिशस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, कितने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम का आयोजन करवाया। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां की लोकसभा के सदन, वहां के मंत्री महोदय ने गीता महोत्सव का कार्यक्रम था, उसके बाद जिस प्रकार से उल्लेख किया गीता का, जो वीडियो सुनी, तो गीता न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि विश्वव्यापी एक जीवन का सार बताने वाला एक हर समय के लिए संतान ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं और आपके माध्यम से बहुत समाज के और लोग संतजन साधुजन वो भी इसमें आगे लगे हैं, एक पवित्र कार्य में आप लगे हुए हैं। आज का दिन हम सब लोग मिलकर के शुभकामनाएं बधाई सब दे रहे हैं, लेकिन मेरा तो कहना है कि आज का दिन स्वामी जी को मैं कहूंगा कि सभी श्रद्धालुजनों को कोई एक संकल्प भी करें, आखिर गीता के माध्यम से जीवन के सुधार करने के लिए जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सबको आगे आना होगा और कोई ना कोई संकल्प के माध्यम से आगे बढ़े। तो इतना निवेदन करते हुए पुनः स्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा करता हूँ और आपके जीवन की लंबी आयु होने की कामना करता हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।